बुंदेलखंड शानदार किलों और महलों से जुड़ी रोमांचक कहानियों से डूबा हुआ है, जिसकी विरासत आज भी पूरे देश में गूंजती है। बुंदेली शासकों ने 15वीं शताब्दी से लेकर अंग्रेजों के शासन के बीच बुंदेलखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी निशानियों के तौर पर किले, महलों, हवेलियों का निर्माण कराया। इन्हीं प्राचीन किलों में से एक झांसी का मशहूर बरुआ सागर किला, मैं आज आपको वही घुमाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं बरुआ सागर के किले में, तो इसका संबंध झांसी किले से ही है, तो मैं आगे आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और गाइस, मेरा दूसरा चैनल भी है, अगर आप उसको भी सब्सक्राइब करें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए चलते हैं, घूमते हैं बरुआ सागर का किला और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। चलिए तो चलिए चलते हैं गाइस। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये कुछ आपको यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, आपको पढ़ने को मिलेगा उनके बारे में, ये किला किसने बनवाया, निर्माण किसने करवाया, और कुछ ऐसा। और फ्रंट में ही जो है आपको सर्वप्रथम तो आपको मंदिर मिलेगा महाबली हनुमान जी का, ये देखिए। सर्वप्रथम आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं, उसके बाद हम चलेंगे अंदर। अभी हम जो है आ चुके हैं, और ये देखिए सर्वप्रथम आपको लोहे का गेट लगा हुआ मिलेगा। सबसे पहले ये पहले गेट नहीं हुआ करता था, ये ऐसे ही हुआ करता था, लेकिन अभी गेट बना दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। एक बार बनावट देखिए, इसको रिनोवेशन करा गया है। ये देखिए गेट से घुसते ही आपको अपनी आईडी देनी पड़ेगी यहाँ लिखने के लिए कि हाँ भाई किस लिए आए हो, क्या करने, जो भी नोट करते हैं वो बस। उसके बाद ये जो है ये दूसरा गेट आएगा, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा कराया गया था, देख सकते हैं आप। थोड़ा जर्जर हालत में भी ये किला पहुंच चुका है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको सुंदरता देखने को मिल जाएगी, हरियाली है और थोड़ा सुंदरीकरण होता रहता है। तो अभी मैं आपको पूरे किले की विजिट कराता हूँ कि किला कैसा है, और यहाँ आते ही आपको ठंडी हवा का जो है झोंका लगेगा, ठंडक महसूस होगी। अब उसका कारण क्या है, उसका कारण भी मैं आगे आपको बताता हूँ। देख रहे हैं ये ऊंचा सा चबूतरा टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे, और यहाँ से जब कोई आता था तो उन पे पुष्प वर्षा जो है करी जाती थी, और यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से ये बनाया गया है, यहाँ पे एक सैनिक खड़ा रहता था। और ये देखिए ये जो है ये सीधा ऊपर की तरफ किले की तरफ जाता है रास्ता, तो अभी हम चलेंगे किले के पास। लेकिन किले का सुंदरीकरण ऐसा किया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आएंगी फूलों के पौधे लगे हुए हैं, देखिए सदाबहार पुष्प और मेहंदी के कुछ फूल लगाए गए हैं, तो थोड़ा सुंदरीकरण कराया गया है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर और चढ़ना पड़ेगा। तो गाइस हम चल रहे हैं आगे, जो आपको सामने दिख रहा है
ये जो है घुड़साल हुआ करती थी, यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे। ये देखिए, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से भी घोड़े बांधे जाते थे। और ये देखिए, ये रहा मुख्य द्वार जो किले के अंदर हमें पहुँचाएगा। बट गाइस, आप लोगों से मेरा एक ही कहना है कि यार किला घूमने आते हैं तो ये कृपया करके यार लिखा मत करें, दीवारें खराब करते हैं जिससे छवि खराब होती है स्मारकों की। ये देख लीजिए, अभी हम आ चुके हैं अंदर। गाइस, ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं ये उसी समय की लगी हुई है जब इसको बनाया गया होगा। तो यहाँ पे गेट लगाया होगा लकड़ी का, क्योंकि आप देख रहे हैं उसमें दो होल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो है, अभी जब ये पुरातत्व विभाग में आया उसके बाद इसका जो है ये वाला लोहे का गेट लगवाया गया है। यहाँ पहले यहाँ पे लकड़ी का गेट लगा हुआ था, और ये देख लीजिए, क्योंकि उसका प्रमाण ये है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। देखने से ही बड़ा मनमोहक लग रहा है, और ये कुछ कमरे बने हुए हैं, फिलहाल तो बंद कर दिए गए हैं ये। और अभी हम बिल्कुल आ चुके हैं ऊपर टॉप पे, ये देख सकते हैं। ये जो किला है ये टोटल 5 खंड का है, मतलब 5 मंजिल किला है जिसको राजा उदित सिंह ने बनवाया था। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, ये देख रहे हैं हवा पौर बने हुए हैं, और क्यों बने हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा क्यों बना हुआ है। ये सामने जो आपको झील दिख रही है, तो इस झील से ठंडी हवा आया करती थी, और यहीं से हवा भी अभी भी बहुत प्यारी हवा आ रही है। तो ये देखिए, आपको छोटे छोटे खिड़कियां टाइप की देखने को मिलेंगी जो यहाँ बहुत ही प्यारी हवा देती हैं। और ये देखिए, इस तरफ भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ये नीचे जाने का रास्ता है, बट बंद कर दिया गया है सरकार द्वारा नीचे वाली मंजिल में जाने का रास्ता। और ये बीच में प्रांगण आप देख रहे हैं बड़ा सा, तो वहाँ रानी बैठा करती थी, सिंहासन था, और यहाँ पे प्रोग्राम जो डांस वगैरह हुआ करता था वो यहाँ हुआ करता था। ये देख सकते हैं, ये पूरा बड़ा सा प्रांगण। और कर लेते हैं इस, अभी हम फिलहाल इस हिस्से में आ चुके हैं जो ये सामने देख रहे हैं, ये किचन हुआ करता था, यहाँ पे सीढ़ी हुआ करती थी, बट अभी सीढ़ी गायब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, तो सीढ़ी तो नहीं है अभी। फिलहाल मैं चलता हूँ ऊपर और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अलमारी बनी हुई है, और ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है छोटा सा, ये देखिए चिमनी वगैरह, और ये उसी समय की लकड़ियाँ लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। और ये छत डाली है, ये पटियों से लगी है, पटिए जो आते हैं पत्थर के वही लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम चलेंगे नीचे, तो ये जो है नीचे जाने का रास्ता है यहाँ से, तो ये अभी फ़िलहाल बंद कर रखा है ये। और ये देखेंगे तो ये कमरा है एक, यहाँ भी कमरा है, ये देखिए यहाँ ठंडक बहुत है, लेकिन कुछ भी कहो अभी तो यहाँ मोटर वगैरह लगा रखी है पानी के लिए। तो ये भी कुछ रहा होगा, इसका जो है सुंदरीकरण कराया गया है, पुताई वगैरह है इसमें, बट ये ज्यों का त्यों है जैसा पहले था, क्योंकि ये ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं इसको, इसलिए ये देखिए लेकिन बनावट इसकी। और यहाँ से हम सबसे ऊपर जाने का रास्ता होगा, बट अभी बंद है ये, सरकार ने बंद कर रखा है। ये भी एक छोटा सा
कमरा रहा होगा यहाँ। और ये जो है ये बरामदा टाइप का एक बड़ा सा था, लेकिन अभी टूट चुका है गाइस। एक्चुअल में था ऐसा, जब महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, गर्मियाँ होती थी मई जून के महीने में, तो यहाँ आया करती थी। क्योंकि ये उस तरह से बनाया गया है जो हमेशा ठंडा रहे और यहाँ पे ठंडक मिलती रहे। इसकी स्ट्रक्चर जो है, बनावट है और मटेरियल्स है, ऐसा लगाया गया है कि यहाँ पे ठंडक महसूस होती रहे। और सबसे अच्छा सुंदर नज़ारा मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जो बड़ी सी झील है ये राजा उदित सिंह ने ही बनवाई थी। ये देख सकते हैं, तो जो ये पानी भरा हुआ है, ये झील है, इसकी वजह से ये पूरा जो किला है ठंडा रहता था, ठंडक आती रहती थी, हवा आती रहती थी। हवा के लिए आपको देख रहे हैं छोटी छोटी लगातार खिड़कियां बनी हुई हैं लास्ट तक, स्टार्ट से लास्ट तक। और वो रहा टॉप का कमरा एक छोटा सा, जहाँ पे निशानेबाज खड़े रहा करते थे। और यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे छेद बने हुए हैं पानी की निकासी के लिए, जब पानी बरसे तो पानी सीधा नीचे पहुँच जाए। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे हिस्से में और वो देखते हैं चल के। ये नीचे जाने का रास्ता होगा, लेकिन अभी बंद कर रखा है। और ये भी बंद है, ये कमरा हुआ करता था। और देख सकते हैं आप, यहाँ भी ये भी बंद है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये जो है ये यहाँ पे बैठते थे, सिंहासन लगता था और यहाँ पे जो है प्रोग्राम वगैरह हुआ करता था। क्योंकि यहाँ अंदर, यहाँ पे ये देखिए, जो इनके कलाकार वगैरह होते होंगे यहाँ सामान वगैरह रखते होंगे अंदर, तो अभी फिलहाल बंद है। और यहाँ से रानी आती होंगी, एक अनुमान लगा रहा हूँ मैं, या हो सकता है कि ये जो है कला मंच हो, ये आप देख रहे हैं, और रानी वहाँ बैठ के देखती हो। एनली इसको बोल सकते हैं कि ये बारादरी है, बारादरी मतलब कला वगैरह होती है यहाँ, कला मंच टाइप का बना हुआ है। और यहाँ से भी आपको दृश्य साफ साफ झील का नज़ारा देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, इसकी छपाई वगैरह दोबारा की गई है। ये द्वितीय तल है और ये ऊपर जाने का रास्ता। अभी हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या है। ये किला ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत ही प्यारा बनाया गया है। ये देख सकते हैं, ये झील जो है ये इसकी खूबसूरती और भी बढ़ा देती है। क्योंकि यहाँ पे जब खड़े होके रानी देखती होंगी, राजा देखती होंगे, तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य लगता होगा। सामने छोटी सी पहाड़ी दिख रही है। और चलते हैं अभी थोड़ा सा और ऊपर, ये क्या हुआ करता होगा उसको भी जानते हैं। ये देख लीजिए, अब ये मुझे इतना पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सैनिक खड़े होते होंगे, क्योंकि यहाँ से हम नीचे देख सकते हैं। ये देख रहे हो, ये शायद मटके वगैरह रखने की जगह होगी कि हवा आए तो मटके ठंडे बने रहे, ठंडा पानी मिलता रहे। ये देख सकते हैं आप, और यहाँ देखिए एक ऊपर भी कमरा छोटा सा बनाया गया है, बट अभी वो बंद है। और यहाँ से आप बाकी बाहर के नज़ारे ले सकते हैं। ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा यहीं से ले सकते हैं, दिखता है पूरा बाहर। और ये ऊपर वाले कमरे में जाने का रास्ता होगा भाई, अभी फिलहाल बंद है ये।
और ये देख रहे हो ये पूरा जो है टूट चुका है, ये टूट चुका है, पहले ये खुला होगा। और ये देख रहे हो ये छत, ये भी टूट चुकी है, पहले ये जो है सही थी तो अच्छा लगता था। और ये देखिए अभी हम आ चुके हैं उसी जगह, मैंने बताया था ये किचन थी और अभी हम वहीं पे आ चुके हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ से गन पॉइंट बनाए गए थे, यहाँ जो है यहाँ से बाहर देखा जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं देखा जा सकता। ये देख सकते हैं एक ये छोटा सा कमरा है, ये देख लीजिए, बट लेकिन यार जर्जर हो चुका है पूरा। इसके ऊपर तो चढ़ने में भी डर लगता है। एक ये कमरा जो है नीचे जाता है कला मंच की तरफ, कला कक्ष की तरफ, जहाँ पे ये जो किला है झांसी की रानी से जुड़ा हुआ है। और ये देख रहे हैं आप ये गोल गोल जो लगे हैं छल्ले टाइप के, यहाँ पे मसाल को यहाँ पे लगाया जाता था जिससे रोशनी हो। अभी चलिए चलते हैं नीचे। और अगर यहाँ के बारे में आपको और जानकारी हो तो कमेंट में आप लिख के ज़रूर बताइए। जितना भी इतिहास था वो तो मैं आपको इसी में वीडियो में बताऊंगा ही, आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन जो चीज़ मुझे नॉलेज में नहीं है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। बुंदेलखंड हमेशा से ही गर्म क्षेत्र माना जाता रहा है और गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप से लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं। इस किले की बनावट कुछ इस प्रकार है जिससे यहाँ चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही पास में ही लहलाती झील भी हमेशा से ही किले को ठंडक पहुंचाती आई है। ऐसा माना जाता है कि जब गर्मी अपने चरम पर होती थी तब महारानी लक्ष्मीबाई अपने झांसी के किले से निकलकर कुछ महीने यहाँ प्रकृति के बीचों बीच बसे इस किले से किले में गुजारती थी। और यही कारण है कि बरुआ सागर किला रानी लक्ष्मीबाई के समर पैलेस के नाम से भी मशहूर है। बुंदेला राजा उदित सिंह द्वारा बनाए गए इस किले में 5 खंड मौजूद हैं। इन खंडों में छोटे छोटे बड़े कमरे हैं। बरुआ सागर गांव और आसपास के इलाकों में रहे स्थानीय लोगों के अनुसार किले में 3 कुएं भी मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई को किसी अपराधी को सजा देनी होती थी तो इन कुओं में डाल दिया जाता था। इस किले से जुड़ी और भी कहानियां। तो अभी हम चलते हैं नीचे और नीचे और जानने की कोशिश करते हैं। गाइस नीचे की मंजिल जो है बंद कर रखी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर वो खुली होती तो और भी देखने को मिलता। ये देखिए ये जो है बंद कर रखा है यहाँ, ये बड़ा सा हॉल टाइप का बना हुआ है यहाँ। तो अभी हम चलते हैं नीचे। ये जो रास्ता गया है ये मंदिर की तरफ गया है, तो अभी हम देखते हैं वहाँ भी जाके। तो रानी यहीं पे पूजा करती होंगी। पुष्प वगैरह यहाँ लगे हुए हैं काफ़ी। तो अब सामने जो हॉल दिख रहा है वो घुड़साल हुआ करता था रानी का, और यहाँ पे सिर्फ 2 महीने के लिए ही रानी आया करती थी, 2-3 महीने के लिए गर्मियों में सिर्फ, क्योंकि यहाँ जो है ठंडक रहती है टोटल। पेड़ पौधे भी हैं और पास में झील भी है। ये देखिए ये आ चुके हैं हम मंदिर के नज़दीक। और ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ये किले की बाउंड्री है। गाइस ये रहा शिव मंदिर, आपने देखा ही होगा कि झांसी के किले में शिव मंदिर बना हुआ है।
तो सेम टू सेम यहाँ भी एक शिव मंदिर बना हुआ है, और सामने ही आपको मंदिर के जस्ट सामने नंदी महाराज बैठे दिख जाएंगे, और सामने हमारे भोलेनाथ, हमारे आराध्य, उन्हीं का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे ये देख सकती हूँ ठंडक बहुत गजब की है, और ये जो है तुलसी माता का स्थान भी यहाँ दे रखा है, क्योंकि माँ यहीं पे पूजा करने आती थी, झांसी की रानी। और देख सकते हैं वो सामने झील दिख रही है, और ये जो कुएं बने हुए तो भाई आप सामने जो शिव जी का मंदिर है उनके जस्ट सामने कुआ बना हुआ है, जो काफी गहरा है और बहुत प्राचीन कुआ है। कहा जाता है इसका पानी कभी नहीं सूखता है, तो आप देख सकते हैं ये काफी ऊपर तक भरा हुआ है। यहाँ पानी की तो वैसे भी कमी नहीं है, बगल में नहर है, और इस तरफ भी शायद कुआ बनाया गया था जो थोड़ा खंडर होता गया है, तो उसमें वो पड़ाव हो गया है। तो अभी हम आगे चलेंगे और आपको काफी मस्त ये देख सकते हो, ये रहा वो दृश्य, कितना प्यारा लग रहा है। फूल खिले हुए हैं इसमें तालाब में, और पूरा जो है ये झील भरी हुई है, और सामने भोलेनाथ का मंदिर। यहीं पे झांसी की रानी जब गर्मियों में रुकने आया करती थी, तो यहीं पे पूजा करने आया करती होंगी। तो अभी हम चलेंगे वापस। तो गाइस, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगता है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही रोचक तथ्य, इतिहास की बातें आपके सामने पेश करता रहता हूँ, आपसे शेयर करता रहता हूँ। और मेरा दूसरा चैनल है रवि जी कार ब्लॉग्स के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो अभी मैंने नया चैनल खोला है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और आई बटन पे भी लगा दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये देखिए, ये कुछ